है बरेली का फेमस और सबसे बड़ा गुरुद्वारा। देखिए दोस्तों कितना नजदीक आ चुके हैं हम लोग, और गुरुद्वारे से आगे मार्केट पड़ती है जहाँ पर सूट और खाने पीने की व्यवस्था है, सारे कपड़ों की शॉप है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा और कितना बड़ा गुरुद्वारा है। देखिए हेलो दोस्तों, तो आज मैं आ गया हूँ संजय नगर चौराहे पर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं महर्षि की मूर्ति। तो आज का ब्लॉग होने वाला है पूरा मॉडल टाउन के लिए, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ मॉडल टाउन का गेट पीछे जो है, इससे हम लोग अंदर एंट्री लेंगे और पूरा मॉडल टाउन दिखाने वाला हूँ आपके लिए कि मॉडल टाउन कैसा दिखता है। और गुरु गोविंद सिंह कॉलेज दिखाऊंगा आपके लिए, रिक्की सिंह कॉलेज दिखाऊंगा, और हरि मंदिर है अंदर बहुत फेमस वो दिखाऊंगा, और गुरुद्वारा जो बरेली का मॉडल टाउन में है बहुत फेमस है दोस्तों, तो वो दिखाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलते स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं बैक कैमरे से कि कैसा दिखता है मॉडल टाउन। दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग एंटर हो चुके हैं मॉडल टाउन में, और देख सकते हैं कितनी खूबसूरत खूबसूरत कोठियाँ बनी हुई हैं। अगर आपको घर देखने हैं तो मॉडल टाउन ज़रूर आएँ, और आप नज़ारा देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। यहाँ पर इतनी खूबसूरत कोठियाँ मिलेंगी आपको देखने के लिए। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर सुंदर कोठियाँ हैं, और बहुत पॉश एरिया है ये मॉडल टाउन, जो कि बरेली की शान है। और यहाँ पर एक से अच्छा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन आपको मिलेगा, जो अधिक से अधिक व्यापारी जो है यहीं पर रहते हैं। और जो क्या कहते हैं गुरु गोविंद सिंह स्कूल है, कॉलेज है, वो यहीं पर है, देख सकते हैं दोस्तों आप। और देखिए दोस्तों फ्लैट भी बने हुए हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी अच्छी कोठियाँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों अगर आप कभी भी मॉडल टाउन आना चाहें तो सीधा शामकगंज से ऑटो करके आ सकते हैं, मॉडल टाउन के कई सारे गेट हैं वहाँ पर उतर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये बुक शॉप बहुत पुरानी है, इसके पड़ोस में स्वीट्स की शॉप है, ये बहुत पुरानी है। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग ये बाउंड्री जो चल रही है येलो कलर की, ये देखिए गुरु गोविंद सिंह कॉलेज की है। देखिए दोस्तों गुरु गोविंद सिंह इंटर कॉलेज, ये बहुत फेमस है दोस्तों बरेली में। अगर आप किसी से पूछेंगे गुरु गोविंद सिंह कॉलेज जाना है तो आपको तुरंत छोड़ देगा कोई भी ऑटो वाला या कोई भी टैक्सी वाला। दोस्तों देखिए कोठियों का डिज़ाइन देखिए दोस्तों, यहाँ पे घर कितने कितने सुंदर और एक से बेहतरीन कोठियाँ मिलेंगी आपको यहाँ पर। देखिए लाइन से सबकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और कोठियाँ देखिए दोस्तों कितनी कितनी सुंदर, देखिए दोस्तों कितनी कितनी सुंदर और बेहतरीन कोठियाँ हैं। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का, बहुत सुंदर सुंदर घर मिलेंगे आपके लिए, और काफ़ी अच्छा नज़ारा मिलेगा देखने के लिए। देखिए दोस्तों कितने लग्जरी मकान हैं यहाँ पे बने हुए, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और काफ़ी अच्छा एरिया है, और रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है और स्मार्ट है। तो दोस्तों अभी हम लोग, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इससे राइट हैंड साइड पर हम मुड़ रहे हैं गुरु गोविंद वाले रोड से, तो यहीं पर मैं आपको दिखाऊंगा हरि मंदिर, जो कि जन्माष्टमी पे ऐसा सस्ता है यहाँ पर कि मेला लगता है, भीड़ के मारे यहाँ ठिकाना नहीं होता, इतना भीड़ होती है। और कोठियाँ देखिए दोस्तों कितनी कितनी सुंदर है, ये देखिए ये आप सामने देख सकते हैं, ये है हरि मंदिर दोस्तों, देखिए ये है हरि मंदिर, ये बहुत फेमस है बरेली में। देखिए दोस्तों ये है हरि मंदिर, कितना सुंदर, देखिए दोस्तों कितना सुंदर हरि मंदिर। और दोस्तों इसके पास पूरा मार्केट एरिया है, और जस्ट सामने मैं आपको दिखाने वाला हूँ रिक्की सिंह इंटर कॉलेज, जहाँ पर सारी फीमेल पढ़ती हैं, कन्या इंटर कॉलेज है, सारे लड़कियों का कॉलेज। देखिए दोस्तों तो सामने आपको दिख रहा है वो रिक्की सिंह कॉलेज है, श्री गुरु नानक रिक्की सिंह कल्याण इंटर कॉलेज। अब हम चल दिए हैं, हम लोग गुरुद्वारे के बहुत नज़दीक आ चुके हैं, और ये पूरा रोड गया हुआ है, ये गुरुद्वारे के पास गया हुआ है, जो कि बहुत फेमस है बरेली में, और पूरी मार्केटिंग एरिया है। दिन में तो इतना अच्छा दिखा, रात में यहाँ पर काफ़ी चहल पहल होती है, क्योंकि धूप है अभी तो इस वजह से चहल पहल नहीं है, और काफ़ी अच्छा एरिया है दोस्तों। देख सकते हैं सामने, देख रहे होंगे आप लोग गुरुद्वारा दिख रहा है, यही है दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो ये है गुरुद्वारा यहाँ का, देखिए दोस्तों ये देखिए, देखिए ये है गुरुद्वारा, और इससे आगे देखिए दोस्तों पूरा शॉप है, सूटों की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, ये पूरा मार्केट है। देखिए दोस्तों ये पूरा शॉप है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का दोस्तों। देखिए ये है पूरा मॉडल टाउन, आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा यहाँ का, शॉप ही शॉप है। और ये देखिए दोस्तों रामायण मंदिर हम लोग आ चुके हैं, और ये देखिए दोस्तों रामायण मंदिर जो बंद है अभी यहाँ पर, और इससे आगे ये पार्क पड़ेगा, देखिए ये है पार्क, इंदिरा पार्क नाम से फेमस है। और इससे आगे हम लोग पहुँचने वाले हैं जो कि लास्ट गेट है मॉडल टाउन का, देख सकते हैं आप,
ये लास्ट गेट हम लोग पहुंचने वाले हैं मॉडल टाउन का। देखिए दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा है, कितनी अच्छी मार्केटिंग है यहाँ पे, पूरा मार्केटिंग एरिया है और काफ़ी अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं। तो काफ़ी कुछ है मॉडल टाउन में घूमने के लिए, अगर आपको रात में आना है तो आप कभी भी आ सकते हैं मॉडल टाउन। काफ़ी कुछ है यहाँ पर और काफ़ी अच्छी बस्ती है, काफ़ी मतलब पॉश इलाकों में आता है मॉडल टाउन। देखिए दोस्तों और ये हम लोग पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट कि जो मॉडल टाउन से बाहर के लिए गेट है, जो पहला गेट पड़ता है जो हम शामगंज से आते हैं, तो यह वो गेट है। और इधर से ही हम लोग जब लेफ्ट हैंड साइड पर मुड़ जाएंगे तो फिर हम वही संजय नगर चौराहे की तरफ मुड़ जाएंगे दोस्तों। देखिए और ये सामने देख सकते हैं आप लोग खुशलोक हॉस्पिटल, ये है खुशलोक हॉस्पिटल जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये बहुत फेमस है, डॉक्टर विनोद पागरानी, ललित पागरानी, कई लोगों का डॉक्टर का यह हॉस्पिटल है। तो देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का, कितनी भीड़ भाड़ है, ये सिंधी की शॉप आ गई। तो दोस्तों यही है मॉडल टाउन और आगे दिखाने वाला हूँ आपके लिए मॉडल टाउन चौकी और उसी के बाद जो है ब्लॉग का एंड करेंगे दोस्तों। ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, ये है सुहाग वेडिंग पॉइंट, देखिए दोस्तों। और ये स्टेडियम रोड है पूरा और ये आ गई मॉडल टाउन चौकी। देखिए दोस्तों मॉडल टाउन चौकी आ चुकी है, ये गेट भी है, ये है मॉडल टाउन चौकी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।